हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज भी हम हर दिन की तरह पांच वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, चाहे स्कूल का हो या कंपटीशन हो, हर जगह पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, समय को नष्ट न करते हुए। पहला वर्ड है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट माना होता है विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति मतलब जब हम दुविधा में की स्थिति में हो जाते हैं, हम परिस्थिति हमारा साथ नहीं देती, उसको विषम परिस्थिति कहते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या हमारी कह रहे हैं कि प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट ट्रिक से याद करिए ताकि भूले ना। तो आप ऐसे प्री, इसमें से ट्रिक लीजिए, प्री परीक्षा देने के बाद वह प्रेडिकामेंट में हो गया, विषम परिस्थिति में हो गया, कि जैसे पेपर नहीं बना तो परिस्थितियाँ उसके साथ नहीं दी, तो प्रेडिकामेंट में हो गया, विषम परिस्थिति में हो गया। तो इस तो सिनोनिम्स क्या हो गया? डिलेमा। डिलेमा माने होता है विषम परिस्थिति, दुविधा की स्थिति। प्लाइट माने भी दुर्दशा होता है या विषम परिस्थिति, एक ही चीज़ है, दोनों होता है। तो दुर्दशा, दुर्दशा किसी की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है, मतलब परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रहे हैं, तो यानी विषम परिस्थिति में हो गया। तो क्वेंट्री माने भी होता है दुविधा की स्थिति या विषम परिस्थिति। फिक्स माने दुविधा, दुविधा में है पड़ा है, मतलब विषम परिस्थिति में होता है। फिक्स माने लगाना भी होता है, यहाँ दुविधा वाला अर्थ लिया जाएगा। इन डिसीजन माने निर्णय ना ले पाना, जैसे कोई आदमी निर्णय नहीं ले पा रहा है, अब हम क्या करें, तो मतलब क्या, वो विषम परिस्थिति में है। वहीं इंटरेंस की बात करें तो क्लैरिटी, क्लैरिटी माने होता है अस्पष्टता, एकदम अस्पष्टता है किसी चीज़ की, यानी कि सम परिस्थिति में है तो सब कुछ अस्पष्टता है। कन्विक्शन माने उसे आस्था या दृढ़ विश्वास का होना होता है या सम परिस्थिति में होना। तो इस तरह से ये कन्विक्शन भी इसका एंटोनिम्स हो गया। बात करें अगला वर्ड है तो प्रेडिलेक्शन होता है। प्रेडिलेक्शन माने होता है पक्षपात या लगाव, ठीक है। तो प्रेडिलेक्शन इसमें आप ट्रिक बना लीजिए, प्री वही प्री परीक्षा से इसको वोट कनेक्ट करिए। प्री परीक्षा देने के बाद उसका मेंस के लिए लगाव हो गया, प्रेडिलेक्शन हो गया। जैसे प्री परीक्षा दिया, अच्छा बन गया पेपर, तो उसका जो है मेंस के लिए जो है लगाव हो गया। तो इस तरह से और वह उसके लिए पक्षपात करने लगा, मतलब मेंस परीक्षा का ही वह पक्ष लेगा, तो उसके हिसाब से पक्षपात करने लगा और चीज़ों से। तो सिनोनिम्स क्या होगा? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस माने पूर्वाग्रह या पक्षपात होता है। फंडनेस माने लगा होता है, ठीक है। तो फंड में शौकीन होना होता है, तो फंडनेस माने लगा होता है। प्रेफरेंस माने पसंदगी या लगाव होता है। पार्शियलिटी माने पक्षपात होता है। इंक्लिनेशन माने होता है लगाव या झुकाव या इच्छा किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा। वहीं बात करें इसके एंटोनिम्स के, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका एवर्जन। एवर्जन माने होता है घृणा। एंटीपैथी माने घृणा या नापसंदगी। तो ये दोनों हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, वैसे हेट माने भी घृणा होता है, डिसलाइक माने भी घृणा होता है, और इसका एंटोनिम्स जो है, ठीक है, डिस इंक्लिनेशन भी हो जाएगा। इसके पहले इंक्लिनेशन पहले डिस लगा देंगे तो डिस इंक्लिनेशन इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सारे वर्ड याद करना है। अगला वर्ड है प्रीपोस्टस। प्रीपोस्टस माने होता है बेतुका, अनुपयुक्त, मूर्ख। तो बेतुका ढंग से जैसे कहते हैं प्री पोस्टर से, इसमें ट्रिक क्या बनाएंगे आप? पोस्टर। पोस्टर से ट्रिक बनाएंगे, पोस्टर देखने के बाद वह प्री पोस्टर्स ढंग से बात करने लगे। क्यों? क्योंकि पोस्टर बहुत प्री पोस्टर्स ढंग से बना था। तो आराम से आप ट्रिक बनाएंगे, पोस्टर के मान लीजिए कोई पोस्टर है, आप उसको देखें तो उसके बाद कहे आपकी पोस्टर बहुत प्री पोस्टर्स ढंग से बनाया, मतलब बेतुका ढंग से बनाया गया है, अनुपयुक्त ढंग से बनाया गया, जैसे कोई मूर्ख बनाया हो। तो सिनोनिम्स क्या होगी इसके? नॉन सेंसियल। नॉन सेंसियल माने क्या होता है? नॉन सेंसियल, नॉन सेंसिकल है, सॉरी, नॉन सेंसिकल माने होता है बेतुका। तो मतलब जिसके पास कोई सेंस ही ना हो तो नॉन सेंसिकल ढंग से बात करेगा, बेतुका ढंग से बात करेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, परीक्षा में आ चुका है, तो नॉन सेंसिकल आप याद करिए, बेतुका की अंग्रेजी। अनबिलीवेबल माने अविश्वसनीय, जो अविश्वसनीय। बिलीवेबल, बिलीव मतलब विश्वास करने योग्य। अनबिलीवेबल मतलब इतना बेतुका है कि विश्वास करने योग्य ही नहीं। तो अनबिलीवेबल माने विश्वास न करने योग्य या बेतुका, दो अर्थ इसका होता है, ठीक है। यह अनुपयुक्त रहेगा तो आप विश्वास नहीं। तो अपसर्ड माने क्या होता है? बेतुका होता है। आउटरेजियस माने होता है बेतुका, नहीं आउटरेजियस बात करना, बेतुका बात करना। रेडिकुलस माने हास्यप्रद, जो चीज़ हास्यप्रद रहेगा सीधी बात है बेतुका रहेगा, तो हास्यप्रद और बेतुका इसका भी अर्थ होता है, दोनों अर्थ होता है। आउटलैंडिश माने होता है बेतुका। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं, बेतुका के लिए जो है सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो रीजनेबल। रीजनेबल माने होता है तर्कसंगत, जो तर्कसंगत बात करेगा, यानी तर्क के हिसाब से बात करेगा, यानी बेतुका बात नहीं कर रहा हो। एप्ट माने उचित, एकदम उचित बात कर रहा है, यानी कि बेतुका नहीं बात कर रहा है। प्रॉपर माने भी उचित एकदम होता। तो अगला वर्ड है प्रोक्लाइविटी। प्रोक्लाइविटी माने क्या होता है? प्रोक्लाइविटी माने होता है रुझान, इच्छा या प्रवृत्ति। तो ये प्रोक्लाइविटी वर्ड जो है प्रीडिलेक्शन से भी, अभी आपको पीछे जो बताया गया उससे रिलेटेड वर्ड है, तो उसके सिनोनिम्स के रूप में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए कि दोनों बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, इसलिए दोनों का अलग अलग जिक्र किया गया है। परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रुझान, इच्छा या प्रवृत्ति, ठीक है, जिसका मतलब होता है रुझान। एप्टीट्यूड माने क्या होता है? रुझान या अभिरुचि जिसको कहते हैं। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन माने भी होता है।
है जो है रुझान किसी चीज़ के प्रति, इंक्लाइनेशन माने भी होता है इच्छा, ठीक है। तो अभी उसके भी सिनोनिम्स में देखिए इंक्लाइनेशन आया तो इसमें भी आया था, तो इसलिए रुझान के अर्थ में प्रेडिलेक्शन का भी प्रयोग होता है, इसका भी रुझान के अर्थ में दोनों का प्रयोग हो सकता है, इसलिए अब थोड़ा सा रिलेटेड है, तो आप उसमें कन्फ्यूज ना होना कि कैसे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ गया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रुझान के लिए दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए एंटोनिम्स की बात करें, वहीं इंक्लिनेशन के पास डिस लगा दें कि डिस इंक्लिनेशन माने इच्छा का उल्टा अनिच्छा। अब हेट माने घृणा, तो एवर्जन आया था उसमें देखिए, हेट माने भी घृणा डिसलाइक बताए थे, एंटीपैथी दोनों में आया था, तो उससे कन्फ्यूज ना होना, तो दोनों बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं। तो घृणा होना नापसंदगी होना, अनिच्छा होना, तो मतलब क्या रुझान ना होना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है आज का प्रोजेंस, प्रोजनी, प्रोजनी माने होता संतान। तो प्रोजनी, तो आप इसमें ट्रिक क्या होगा, संतान के लिए जो है आप ट्रिक बना लीजिए प्रो से, ठीक है, प्रो से प्रोफेसर की आप ट्रिक बना लीजिए, प्रोफेसर जो है के यहाँ प्रोजनी हुआ, संतान हुआ, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले हम इसकी ट्रिक नहीं बताए थे आपको प्रोक्लाइविटी की, अगर आपको नहीं याद हो तो इसकी भी ट्रिक हम बता दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं। प्रोक्लाइविटी, प्रोक्लाइविटी में भी ट्रिक बनाइए प्रोफेसर की, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, दोनों में प्रो प्रो से ही ट्रिक बनाइए, तो इसलिए दोनों एक साथ बता रहे हैं। प्रोक्लाइविटी में आप बता दीजिए कि कोई प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर बता दीजिए कि प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट के प्रति जो है बहुत प्रोक्लाइविटी रखते हैं, रुझान है, प्रोफेसर का अपने सब्जेक्ट के विषय के प्रति बहुत यह है प्रोक्लाइविटी है, रुझान है, तो इससे हो जाए। तो आराम से सीधी सी बात है, जो प्रोफेसर रहेगा तो विषय के प्रति उसका रुझान तो रहेगा ही, इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं, प्रोफेसर का अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रोक्लाइविटी है, रुझान है, तो आराम से याद हो जाएगा। और सिनोनिम्स में एप्टीट्यूड, डिस्पोजिशन, इंक्लिनेशन, ये आपको बताया गया, एंटोनिम्स में डिस इंक्लिनेशन, हेट, एंटीपैथी। वहीं प्रोजनी की ट्रिक का कि बता दीजिए प्रोफेसर के यहाँ प्रोजनी उत्पन्न हुआ, यानी संतान उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग माने संतान होता है, डिसेंडेंट माने वंशज या संतान होता है, वंशज मतलब वंश की प्राप्ति हुई, वंश आगे बढ़ा, तो वंशज या संतान, डिसेंडेंट माने होता है, इशू माने भी संतान होता है। देखिए इशू का अर्थ एक होता है मुद्दा, किस इशू पर बात करो वो भी होता है, तो संतान के हिसाब से यहाँ अर्थ लिया जाएगा। और इशू अगर वर्ब के रूप में रहता तो इशू माने निकालना, जैसे कहते हैं इशू माय करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट को निकाल कर दे देना, तो इशू माने निकाल कर देना भी होता है, तो यहाँ संतान के सेंस में होगा, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनोनिम्स की दृष्टि से, कन्फ्यूज मत होना कि संतान नहीं होता। अब इसे इस एंटोनिम्स की बात करें, तो पेरेंट माने माता पिता होता है, तो अब जब संतान नहीं रहेगा तो सीधी सी बात, माता पिता है, फोर फादर माने पूर्वज, तो माता पिता से ऊपर के जो लोग हैं, फोर फादर, ग्रैंड फादर, ये सारे लोग भी इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है, समझना है वर्ड को, ताकि ऑप्शन देखने पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आगे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी। और इसके पहले भी जो आप एपिसोड हम बनाए, अगर आप नहीं देखे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल RMS कुमार के नाम से है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी पे आपको सारे जो एपिसोड बनाए उसके PDF आपको मिल जाएगी, और काफ़ी PDF हम डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।